वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. वेलकम ज्योति. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू आईएफए स्टूडेंट्स. आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड. अब अच्छे से हो तो आप देख सकते हो हर दिन दोपहर को 1 बजे वी आर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ सीएसआईआर नेट. ओके, तो यहाँ पे भी आज हम सॉल्व करेंगे सीएसआईआर नेट का क्वेश्चंस. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज का जो चैप्टर है स्पेशली स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आरती जायसवाल, वेलकम. वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर लाइव सेशन. आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, देख सकते हो आप, लॉजिकल डिडक्शन. नाउ ये जो पोर्शन है ये सीएसआईआर नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस आते हैं. वंस यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू विल एंजॉय दिस थिंग्स. ओके, और बहुत ही स्कोरिंग है स्टूडेंट. आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप देखना करने भी आपको अच्छा लग रहा है. और इस क्वेश्चंस को करने में वंस यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो वंस यू गेट इट वेल. भास्कर माझी, वेलकम. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेशन स्टूडेंट. बहुत ही कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है. सो ऑफकोर्स वी आर गोना सॉल्व द क्वेश्चंस बिकॉज इन दिस चैप्टर लॉजिकल डिडक्शन, जो लॉजिकल बातें आपको सीखना होता है, द ओनली वे टू लर्न दिस टॉपिक इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. ओके, so there is a question for you student. The first question of today, आप देख सकते हो CSIR NET December 2019 पे आया था ये question. Okay, CSIR NET December 2019 पे आया था और ये question आपको try करना चाहिए हर एक student जो हो. या बीश शर्मा, वेलकम. विष्णु गुप्ता, गुड आफ्टरनून, वेलकम. तो इस question को आप खुद से try करो और बताइए क्या होगा इसका answer. Okay, कुछ नहीं स्टूडेंट, लॉजिकल डिडक्शन मतलब जो क्वेश्चन आएगा अब जो एक पजल की तरह होगा कि आपको चीजों को लॉजिकल पजल, दिस इज नॉट पिक्टोरियल. ऑब्जर्वेशनल स्किल्स में क्या होता है, आपको देखकर करना होता है. यहाँ पे लॉजिकली एक कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, उसको सिंप्लीफाइड करके आपको सोचना पड़ेगा. गुड आफ्टरनून विवेक, वेलकम. वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, ये आपके ऊपर है. अब तो आपको दे दिया ये क्वेश्चन में. CSIR NET December 2019 पे आया था, कौन बताएगा मुझे सही आंसर कौन सा है. इट्स नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिलीव मी. 7 chairs numbered 1 to 7 आर प्लेस्ड अराउंड अ राउंड टेबल. स्टार्टिंग फ्रॉम चेयर नंबर 5 अ पर्सन कीप्स गोइंग अराउंड द टेबल एंटी क्लॉकवाइज. आफ्टर क्रॉसिंग 41 chairs द पर्सन विल रीच द चेयर नंबर. 41 चेयर्स क्रॉस करने के बाद कौन सी चेयर पे ये पर्सन रीच करेगा, अच्छे से देखना क्वेश्चन पे. यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द चेयर नंबर 5, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट. यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द चेयर नंबर 5, ठीक है ना. चलिए बताइए क्या होगा आंसर. ठीक है ना, जल्दी से बताओ कि आंसर क्या होने वाला है. अभी तक सिर्फ विष्णु गुप्ता ने बताया 1. स्टूडेंट एक राउंड टेबल के बात हो रहा है, व्हाई नॉट जस्ट ड्रॉ ए राउंड टेबल. एक राउंड टेबल ड्रॉ कीजिए और उसके बगल में 7 chairs नंबर फ्रॉम 1 to 7 है, ऐसा एक पिक्चर को सोचिए. देन स्टार्टिंग फ्रॉम द चेयर नंबर 5 पर्सन कीप्स गोइंग अराउंड द टेबल एंटी क्लॉक वाइज आफ्टर क्रॉसिंग 41 chairs. आरती जायसवाल ने बताया 1. Are you sure? बहुत अच्छे से देखना है स्टूडेंट. आप लोग बता रहे हो कि आंसर हो जाएगा 1. फिर से सोचिए, आई एम टेलिंग यू, फिर से सोचिए. और मैं बता रहा हूं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. और यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, जो बताया गया है उतना ही समझो और एक पिक्चर ड्रॉ करके करो आप. चलिए मैं पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं आपको, फिर आप सोचिए. ये आपका राउंड टेबल है स्टूडेंट, दिस इज योर राउंड टेबल. नाउ हियर आपके पास 1 to 7 प्लेस्ड है चेयर. तो यहां पे मान लीजिए 1 है, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन, ये आपका चेयर्स है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इन चेयर्स जो है आप फाइव से स्टार्ट कर रहे हो, सो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। अ पर्सन कीप्स गोइंग अराउंड द टेबल एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे करके वो रोटेट करेगा इस टेबल को। क्वेश्चन है, आफ्टर क्रॉसिंग 41 चेयर्स द पर्सन विल रीच द चेयर नंबर। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, द पर्सन विल रीच द चेयर नंबर। शुभम देव ने बताया ऑप्शन फोर यानी कि सेवन। आरती जयसवाल ने बताया सेवन इज राइट सर। सुनिए आप लोग सही ढंग से कर तो रहे हो लेकिन एक पॉइंट को आप मिस कर रहे हो। आप देखो स्टार्टिंग फ्रॉम चेयर नंबर फाइव बता रहे हैं स्टूडेंट, तब यहां से घूमना शुरू करोगे और 41 चेयर्स क्रॉस करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम चेयर नंबर फाइव। शीतल वेरी वेरी गुड, शीतल इज द फर्स्ट स्टूडेंट हु इज सेइंग इट करेक्टली। सिंपल बात है स्टूडेंट, देखो सिंपल तरीका से भी आप सोच सकते हो, यहाँ पे सेवन मेंबर्स है टेबल के करीब पे। नाउ आपको अगर एक बार कंप्लीट वन कंप्लीट रोटेशन या वन कंप्लीट राउंड होने में क्या हो जाएगा, वन कंप्लीट राउंड पे स्टूडेंट देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन चेयर्स को क्रॉस करेगा। वन कंप्लीट राउंड होने से स्टूडेंट सेवन चेयर्स को क्रॉस करेगा, मतलब अगर आप यहां से जर्नी शुरू करके ये पहला ये फर्स्ट चेयर सेकंड चेयर ऐसे करके जाओगे, अब देखो सेवेंथ जो चेयर होगा वो इस फाइव वाला पोजीशन पे होगा। सिमिलरली फोर्टींथ वाला जो चेयर होगा वो भी फाइव वाला पोजीशन पे होगा, यानी कि सेवन का जितना मल्टीपल होगा घूमकर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे चला आएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया, आपको अच्छे से पता है 42th चेयर जो होगा वो भी आपका ये फिफ्थ चेयर ही होगा, क्योंकि 42 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 42 जो है स्टूडेंट मल्टीपल ऑफ 7 है, यानी कि ये जो फिफ्थ चेयर चेयर्स है अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे फिफ्थ चेयर ही आपका 42th चेयर होगा। बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताया गया है After crossing 41 chairs, तो अगर ये 42th होगा तो 41th must be this number 6 chair. अगर 42th 5 बन जाता है 41th must be the number 6 chair. लेकिन क्वेश्चन पे बताया गया है बहुत अच्छे से देखना स्टूडेंट कि the person will reach the chair number after crossing 41 chairs. यानी कि वो 41 chairs cross कर चुका है, यानी कि नंबर सिक्स वाला जो चेयर्स है वो क्रॉस कर चुका है। करने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करने के बाद वो कौन सा चेयर पे रीच करेगा, तो आंसर विल बी नंबर फाइव। वेरी वेरी गुड शीतल, यही क्वेश्चन है लॉजिकल डिडक्शन, इसका ना कोई फॉर्मूला ना कुछ, ठीक है सिंपल बात है, लॉजिकल डिडक्शन नाम पे ही काम के बारे में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है इस चैप्टर में, क्वेश्चन प्रैक्टिस, देयर इज नो अदर वे टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेल। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप देखना PYQ का सेम टाइप का क्वेश्चंस भी कभी कभार CSIR नेट पूछ लेता है। ओके चलिए, सो दैट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे। So do not forget to hit like button student and share this session with your friends and subscribe to our channel if you have not subscribed yet. Okay, so let's move on. Ye wala question to gaya, lekin next question I want the correct answer from every one of you. Bahut hi interesting question hai student, chaliye it's a very easy question and it's an interesting question from June 2019. Ya Binanda good noon, welcome, aapke liye question hai, dekhiye aap aa gaye ho और क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से लॉजिकली सॉल्व कीजिए। और फोर एजेंट्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा थ्री हैव टू बी सेंट टुगेदर ऑन ए मिशन। इफ अल्फा एंड बीटा कैनॉट गो टुगेदर एंड गामा एंड डेल्टा कैनॉट गो टुगेदर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट, और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यस शुभम देव देखकर ही आंसर बता दिया। ओके व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट जून 19 का क्वेश्चन है,
मैं क्या बताया, जनरल एप्टीट्यूड पेपर वन इट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग टू स्कोर ए वेरी गुड मार्क्स. 20 मार्क्स इज जस्ट इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ एफर्ट. जो स्टूडेंट्स को मैं देखा सर्वे करके, स्टूडेंट्स बिलीव मी, जो भी थोड़ा सा भी उसका इंटेलेक्ट अच्छा है और दे आर गुड इन एप्टीट्यूड, दे आर स्कोरिंग 14 to 15 questions, मतलब 28 to 30 marks. कैन यू इमेजिन, जो भी अच्छा रैंकर्स है, मेरा भी जितना दोस्त को देखा टॉप रैंकर्स है, दे जस्ट मेक इट श्योर कि उसका 15 out of 15 questions करेक्ट हो, यानी के 30 marks जो है वो करेक्ट हो. आप भी कर सकते हो, वाई नॉट. इन एवरी अदर एग्जाम इफ विल गो विद दिस, कि आप देखो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका जो आपका जीमेट एग्जाम होता है, या फिर चाहे वो आपका कैट एग्जामिनेशन होता है, क्वांट्स का जो पोर्शन होता है, इंग्लिश को छोड़कर मैथमेटिकल एंड LRDI, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला जो पोर्शन है, वहां पे स्टूडेंट 100% कोर्स स्कोर कर रहा है. और आपका तो और भी मैच्योर्ड ब्रेन है, CSI एंड नेट का स्टूडेंट्स हो आप, तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं, राइट? तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. देखिए आप में से सारे स्टूडेंटों का सही आंसर आ गया. थोड़ा सा ही मैं बता देता हूँ इसका लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट. CSI नेट का क्वेश्चन है, देखकर ही शुभम ने जो किया, आप लोगों ने भी किया, इट टेक्स 5 seconds, 5 seconds लग रहा है. सो क्या बताया गया है, चारों है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एनी 3 person को आपको भेजना है मिशन पे. लेकिन यहाँ पे बताया गया है अल्फा बीटा कैनॉट गो टुगेदर. तो अगर देखिए, अगर आप अल्फा बीटा को छोड़कर अल्फा गामा और डेल्टा वाला टीम बनाओगे, क्योंकि पहले बनाया बताया गया है अल्फा बीटा कैनॉट गो टुगेदर, उसके बाद देखो यहाँ पे बताया गया है गामा डेल्टा कैनॉट गो टुगेदर, मतलब अल्फा गामा डेल्टा को लेकर भी आप टीम नहीं बना पाओगे. सिमिलरली बीटा गामा डेल्टा को लिए भी आप टीम नहीं बना पाओगे. तो ऑल थ्री थ्री को लेकर जो पॉसिबिलिटीज होता है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. ये सारे क्वेश्चन को करने के लिए आई सजेस्ट यू गो थ्रू द ऑप्शंस. पहले ऑप्शंस पर आइए, पढ़ लिया आपने, सिंपल बात है, समझ लिया. एनी थ्री एजेंट्स कैन बी सेंट, एनी थ्री एजेंट्स कैन बी सेंट, हाउ इट इज पॉसिबल, नो. अल्फा डेल्टा एंड एनी आउट ऑफ द बीटा एंड गामा, नो. आपको पता है कंडीशंस, अल्फा बीटा एक साथ नहीं जा सकते उस तरफ, गामा और डेल्टा एक साथ नहीं जा सकते. बीटा एंड गामा इन एनी आउट ऑफ, नो, नॉट पॉसिबल. सो द मिशन इज नॉट, मिशन इज इम्पॉसिबल. सो द मिशन इज नॉट पॉसिबल स्टूडेंट, दिस इज द वे यू शुड सॉल्व. ओके, तो देखो देखकर ही आंसर हो रहा है. सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू स्टूडेंट, कि ये जो चैप्टर है लॉजिकल डिडक्शन, आपको देखकर ही हो सकता है, इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस इनसाइड यू कि हाँ मुझे आता है. ओके, यस आई कैन सी यू पीपल, वेलकम वेलकम एवरीवन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक, कि आप यहाँ पे हो, उसका प्रेजेंस है. तो मैं बता रहा था इस चैप्टर के बारे में स्टूडेंट, आपका CSI नेट एग्जाम के लिए लॉजिकल डिडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. वेदर इज अ क्वेश्चन ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, वेदर इज अ जस्ट लॉजिकल थिंग, इफ यू नो नीड टू टेल देम विद अ नेम, जस्ट टेल देम लॉजिकल डिडक्शन. और लॉजिकल डिडक्शन में आपको क्वेश्चन करने से ही कभी कभार रिलेशनशिप भी पूछा जाता है, ठीक है ना. लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन में कभी कभार रिलेशनशिप भी पूछा जाता है, जो अलग एग्जाम में हम ब्लड रिलेशनशिप नाम से बोलते हैं. So anyway student, I hope you have enjoyed this question. It was a very easy question. Now let's move on. Before moving on, I'd like to tell you about this. कि हमारे जो बैच ओपन होने जा रहा है स्टूडेंट, दैट विल बी फ्रॉम 29th of November. अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड. अगर आपको टाइम नहीं है इस टाइम पे सेल्फ स्टडी करने का, तो ये बैच पे आप ज्वाइन कर सकते हो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. 29th of November से शुरू होने जा रहा है बैच ये स्टूडेंट, और 31st January तक आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा. और एनरोल करने के लिए स्टूडेंट आप कॉल करिए इस नंबर पे 9172266888. इस नंबर पे आप कॉल करिए, सो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन वेरी इजीली. नाउ ठीक है, इसके बारे में आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स द डिटेल्स, लेट मी टेल यू वन मोर टाइम. कि जो क्लास है स्टूडेंट, ये बैच का, लाइव बैच का, IFS के ऐप में रेगुलर क्लास होता है. मंडे से लेकर सैटरडे देयर विल बी क्लासेस, 2 hours of class, and उसके बाद हर लेक्चर के बाद उसके ऊपर बेस्ड questions, PDF यानी कि क्लास नोट, सारी चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगा. एंड संडे को संडे टेस्ट, यानी कि जो पढ़ाई आपने किया उसके ऊपर संडे टेस्ट स्टूडेंट. एंड कंप्लीट होने के बाद आई एम एश्योरिंग यू कि CSI नेट का टोटल सिलेबस जो है, आपके अंदर एक क्षमता आ जाएगा कि
20 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने का आउट ऑफ 30। ये चीज 29th of November से अगर शुरू हो रहा है, 1st January से पहले ही खत्म हो जाएगा, फिर भी आपके पास ये सब्सक्रिप्शन रहेगा क्योंकि 31st January तक रहेगा। आप एग्जाम के पहले भी वो सारे वीडियोस रिविजन कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और 10 मॉडल टेस्ट पेपर दे सकते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। एनीवे स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन। देयर इज अदर ऑप्शन, इफ यू डोंट वांट टू परस्यू दिस लाइव बैच कोर्स, देयर इज अ रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ इट। अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन पे जाना चाहते हो तो लाइव बैच आपको नहीं मिलेगा, बाकी सब चीज मिलेगा 1999 पे। दोनों ही कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा जो आपके घर तक मेल मतलब थ्रू द पोस्ट आपको भेजा जाएगा। एनीवे, सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ CSIRNET 2018। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम CSIRNET जून 2018। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ए ग्रेट वे कि बहुत टाइम भी कम लगे, कंसेप्ट के साथ सही आंसर निकल के आ जाए, बताइए। Two runners starting together run on a circular path. ये आप देख सकते हो इस सेशन पे टाइम भी कितना कम लग रहा है क्वेश्चंस को करने के लिए। और यही चैप्टर बहुत सारा स्टूडेंट सोचता है, बहुत सोचने वाला बात है, टाइम टेकिंग नहीं है। नो, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा बात है। अगर आप क्वेश्चन करके जाओगे इस चैप्टर से, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मार्क्स आपको मिलने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, कभी कभार दो क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस। शुभम देव इज सेइंग 24। ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? शुभम देव इज सेइंग 24। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? ठीक है ना? एनीवन एल्स? Two runners starting together run on a circular path, taking 6 and 8 minutes respectively to complete one round. How many minutes later do they meet again for the first time on the start line? ये जो question है student, ये concept से बहुत questions आते हैं, दुनिया भर का questions है aptitude का। अगर ये question आप solve कर लेते हो, there is a chance कि questions घुमा कर भी देते हैं तो आपको वो चीज भी आ जाएगा। भास्कर मजी ने बताया वन। भास्कर, हाउ मेनी मिनट्स लेटर डू दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्टार्ट लाइन? शीतल ने बताया 24। विनंदा ने बताया 24। थोड़ा सा समझकर इसको करना है। देखो स्टूडेंट, टू रनर स्टार्टिंग रनिंग टुगेदर ऑन ए सर्कुलर पाथ। मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कुलर पथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है स्टूडेंट, ठीक है ना? अब दोनों रनर्स है आपके पास, ए एंड बी। अब ए जो है स्टूडेंट, ये एक कंप्लीट रोटेशन के लिए टाइम जो लेगा दैट विल बी 6 मिनट्स, और बी जो है स्टूडेंट एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, ऑफ कोर्स जो वायलेट सर्कल है उसके ऊपर, इस वायलेट सर्कल के, दिस इज द सर्कुलर पथ, उसके ऊपर कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना टाइम ले लेगा बी? देखो बी का टाइम लग जाएगा 8 मिनट। अब सिंपल बात सोचिए, कितना टाइम के बाद दोनों ने एक साथ, यहाँ पे जीरो पॉइंट है, दिस इज द जीरो पॉइंट, मतलब यहाँ से दोनों ने ट्रैवल शुरू किया। अब कितना मिनट्स के बाद दोनों का ट्रैवलिंग जो है, मतलब एक पॉइंट पे दोनों आके मीट करेगा फिर से, ये है आपका क्वेश्चन। पहले हम देखते हैं, भास्कर माझी आपने बताया वन, यानी कि 8 मिनट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले तो ए के बारे में सोचिए, 6 मिनट के बाद ये फिर से यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन बी तभी तक कंप्लीट नहीं किया, मतलब बी इसके पीछे रहेगा। तो शुभम आप जो बता रहे हो 8 मिनट, मतलब बी जब कंप्लीट करेगा ए थोड़ा आगे चला जाएगा। सो हाउ दे कैन मीट? थिंक सिंपली, कि मान लीजिए फर्स्ट राउंड हुआ है, ठीक है ना,
ये एक फॉर्मूला है, ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा, उससे आप कर सकते हो, लेकिन पहले इसको समझो। फर्स्ट राउंड के अंदर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ये दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, 6 मिनट्स हो जाएगा, 8 मिनट्स हो जाएगा। सेकेंड राउंड के अंदर देखो स्टूडेंट, ये जो है 12 मिनट्स ले लेता है, सेकेंड राउंड कंप्लीट कर चुका है, यानी कि फिर से 0 पॉइंट पे दो ए आ गया है, 12 मिनट्स के बाद 0 पॉइंट पे ए आ गया है, और ये जो है 16 मिनट्स के बाद आएगा। अच्छा, थर्ड राउंड पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थर्ड राउंड पे 18 मिनट्स जो है, 18 मिनट्स पे ए जो है फिर से लौट कर 0 पॉइंट पे आ गया, लेकिन बी जो है यहाँ पे 24 मिनट्स के बाद आएगा। और फोर्थ राउंड के बाद देखो स्टूडेंट, 24 मिनट्स हो गया ए का भी, यानी के 24 मिनट्स के बाद बी का भी थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद बी 0 पॉइंट पे आ जाएगा, और ए जो है 24 मिनट्स के बाद फोर्थ राउंड कंप्लीट करके ऑलरेडी, और एक एक्स्ट्रा राउंड कंप्लीट करके बी को पकड़ लेगा, यानी कि ए बी सेम पोजीशन पे चला जाएगा। अब मैथ्स का ये जो चीज है, इसको हम क्या बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है एलसीएम। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, आपको सिर्फ एलसीएम ढूंढना है 6 एंड 8 का, क्योंकि एलसीएम का मीनिंग है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब देखो 6 4 24, 8 3 24, 8 3 24, 6 4 24, यानी कि यहाँ पे 4 राउंड्स हो जाएगा, यहाँ पे 3 राउंड्स हो जाएगा, लेकिन फाइनली दोनों का ही एक मीटिंग हो जाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट, इन सच क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत तरीका से पूछा जा सकता है। आप ट्रैवल घर से शुरू कर रहे हो, कितने टाइम के बाद दोनों का मैच करेगा टाइमिंग, दो क्लॉक को लेकर क्वेश्चन किया जा सकता है कि दोनों ही क्लॉक इतना टाइम चल रहा है, तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे विल मीट विथ ईच अदर, तो बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर, और सारे क्वेश्चन का आंसर जो है एलसीएम निकालने से आ जाता है, यानी कि 6 एंड 8 का एलसीएम स्टूडेंट आपको अच्छे से पता है कैसे निकालना है, 4 3 12, सो एलसीएम इज 24, 4 × 3 × 2, सो 24, दैट मीन्स एलसीएम विल बी द आंसर ऑलवेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके जैसे मैंने बताया आपको, हर एक क्वेश्चन को करना है और लॉजिकली सिर्फ आंसर एक निकाल लिया बस हो गया ना, हर एक क्वेश्चन को लॉजिकली पढ़ना है, सच दैट एनालिटिकल वे पे अगर आप पढ़ाई करोगे, देयर विल बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। PYQ में जो आया है आप देखना, CSIR नेट उसी ढंग का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है लेकिन घुमा कर, ठीक है ना। तो कुछ टाइप्स है, कुछ चीजें हैं जो अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, आई एम क्वाइट श्योर 100% मार्क्स कैन बी स्कोर्ड इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड। एनी वे स्टूडेंट, और भी इस चीज के बारे में बेहतर तरीका से आपको अगर जानना है, आज शाम को 7 बजे 7 PM जो है आज आ जाइए शाम को, क्योंकि 7 PM पे इसके ऊपर लॉजिकल डिडक्शन के ऊपर लेक्चर सीरीज होने वाला है आज IFS एप्टीट्यूड चैनल पे, जहाँ पे और डिस्क्रिप्टिवली हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एनी वे स्टूडेंट, आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस सेशन जो आपके लिए बहुत ही काम का होगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अगर अभी तक आपको पता नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, यहाँ पे हम CSIR नेट गेट सारे एग्जामों का जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर लेक्चर सीरीज लाते हैं, अनाउंसमेंट वीडियो लाते हैं, और सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम को आपको पता चल जाएगा इस चैनल से। सो एनी वे स्टूडेंट्स, लेट्स मीट टूगेदर अगेन एट 7 PM टूडे, एंड टूमोरो अगेन वील हैव क्लास एट 1 PM इन आवर यूट्यूब चैनल एंड 7 PM अगेन। तो थैंक यू सो मच, चलिए गुड बाय, टेक केयर, एंड लॉजिकल डिडक्शन जरूर करके जाइएगा आपका CSIR नेट एग्जाम के लिए। चलिए स्टूडेंट, गुड बाय।